हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मल्टीटास्किंग पोस्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो पोस्टर्स हैं वो निकल कर आ चुकी हैं। फ्रेंड्स, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, या कोई भी स्टेट्स हो या यूनियन टेरेटरी हो, आप इन सभी पोस्टर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, इसका जो क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है, सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कब से इसके फॉर्म लगना शुरू होंगे और कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, सब इस वीडियो के अंदर वन बाई वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपके सभी के सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स सभी पोस्टर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से पोस्टर्स हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पर सभी पोस्टर्स रहने वाली हैं। तो पोस्टर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्टर्स रहने वाली हैं। मल्टीटास्किंग की बात करें तो जैसे फोर्थ क्लास की पोस्टर्स हैं, उसी टाइप की जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्टर्स हैं वो रहती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें वुमेन्स एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के लिए कितनी पोस्टर्स हैं, जनरल के लिए 87 पोस्टर्स हैं, ओबीसी के लिए 64 पोस्टर्स हैं और एससी के लिए 4 पोस्टर्स हैं। तो यहाँ पर एसटी के लिए 16 पोस्टर्स हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पोस्टर्स हैं। यहाँ पर अगर हम टोटल पोस्टर्स की बात करें, 194 पोस्टर्स यहाँ पर रहने वाली हैं। पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन और एसपी के लिए अलग से पोस्टर्स यहाँ पर रखी गई हैं। जिसमें अगर हम बात करें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो सोशल वेलफेयर के लिए अगर कैटेगरी जनरल के लिए यहाँ पर 43 पोस्टर्स हैं और ओबीसी के लिए 34 पोस्टर्स हैं और एससी के लिए 5 पोस्टर्स हैं और एसटी के लिए 8 पोस्टर्स हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पोस्टर्स यहाँ पर हैं और टोटल जो पोस्टर्स हैं वो 99 पोस्टर्स हैं। यहाँ पर इसी तरह ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी यहाँ पर देख सकते हैं, और प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस जो है इनकी अलग से पोस्टर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी इनके अलग से पोस्टर्स हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जो है अलग से पोस्टर्स हैं, दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की जो अलग से पोस्टर्स हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स की अलग से पोस्टर्स हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट की अलग से हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग यूटीसीएस उसके लिए अलग से पोस्टर्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग से हैं, आर्कियोलॉजी के लिए अलग से हैं, लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स के लिए अलग से पोस्टर्स हैं और डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडिट के लिए अलग से हैं, दिल्ली आर्काइव्स के लिए यहाँ पर अलग से पोस्टर्स हैं। यहाँ पर अगर हम टोटल पोस्टर्स की बात करें, तो यहाँ पर 500 प्लस यहाँ पर आपकी पोस्टर्स रहने वाली हैं। तो कैसे कैसे इन पोस्टर्स के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, चलिए हम उसके लिए बात कर लेते हैं। बात करें अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट जो इन्होंने दे दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो उसी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ऑफलाइन नहीं कर सकते सबमिट। तो आपको जो इसके लिए अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगा, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना ऑफलाइन भेजकर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं सबमिट कर सकते। तो यहाँ पर ऑनलाइन आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब से इसके जो फॉर्म लगना है वो शुरू हो जाएंगे। फॉर्म लगने की अगर हम डेट की बात करें, तो यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर देख सकते हैं 8th February 2024 इसकी जो है स्टार्टिंग डेट रहने वाली है, और जो लास्ट डेट है क्लोजिंग इसकी हम बात करें तो 8th March 2024 जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करें, ताकि किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपको जो फॉर्म है शायद आपका सबमिट ना हो पाए। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को सबमिट कर लें, बट 8th February 2024 से इसके जो है फॉर्म लगना शुरू होंगे। तो आपको कैसे कैसे इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं dssvoonline.nic.in, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के थ्रू आपको जो इसके फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में आपका जो डाउट है वो रहेगा क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो मैं अगर बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो इन्होंने अभी तक इसके क्वालिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, और जैसे ही क्वालिफिकेशन का इनका नोटिफिकेशन आता है तो इसी चैनल के ऊपर आपको सबसे पहले जो है इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। फ्रेंड, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी के सभी आपके फ्रेंड्स जो हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखें, ताकि जैसे ही इनका जो क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन निकल कर आता है तो आप इन सभी पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर फ्रेंड्स आपका कोई भी इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट जरूर करें, आपको कमेंट से जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।